22 का ही तो वादा था। एक मिनट, बोला ट्रेन कोई हलवा नहीं है जो बनाया और खा लिया, ये सब सिस्टम से होता है, बनाना खाया। मेट्रो जापान की देन है ना, मेट्रो जापान की देन है ना, मेट्रो जापान भाई लेके आए ना। आठ साल पहले सैलरी कितनी थी किसान का? आपकी आठ साल पहले सैलरी कितनी थी? सैलरी भी तो बढ़ी है ना, सैलरी बढ़ रही है। किसान का क्या गया? किसान कितने में खरीद रहा है? किसान कितने में खरीद रहा है? कौन आने वाला? बंपर भाजपा सरकार, मोदी जी जिंदाबाद, बात खत्म। और कोई है ही नहीं, मुद्दे कोई नहीं। चलो चलो ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं। 20 रुपए में आलू बिक रहा, पेल के आलू खाओ, चाहे समोसा खाओ, चाहे आलू खाओ, पेल खाओ, दवाई के यहाँ। तो आलू पे जियो, तो आलू पे ही जियो, आलू पे ही जियो। देख पा रहे हैं आप केंद्र सरकार के? देखिए, सबसे पहले मोदी सरकार आई, गरीबों को बैंक तक पहुंचाया, जिनके खाते नहीं थे खाते खुलवाए जनधन योजना से। पहले 12 घंटे 14 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली आती है। आती कि नहीं आती है? आती है, आती है कि नहीं आती है? आए 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी जब कांग्रेस ने छोड़ा, आज जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। किस वजह से है बताइए आप? अब मैं आपसे पूछता हूँ, किस वजह से है? कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है ना। और रही बेरोजगारी की बात, और रही बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। बस दैट्स ऑल, मैं चलता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बिजी शेड्यूल था भैया जी का। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो कह रहा था ना, आप कह रहे थे मतलब क्या वादा, क्या काम किया है? तो राम मंदिर पहला मुद्दा मेरा, राम मंदिर पहला मुद्दा। हाँ, वादा भी किया था, बनवा भी दिया, बन भी रहा है, बन भी रहा है, अब बनेगा, बंद गया ये। ऐसा नहीं लग रहा कि पहला मुद्दा रोजगार होना चाहिए था? था, बिल्कुल सही है, लेकिन सब है क्या नहीं है, जो जहाँ तक पढ़ाई करेगा उसे मिलेगा। आपको क्या मिल पाएगा? मुझे तो मतलब बहुत खुशी हुई, जितने हमारे हिंदू भाई सब जहाँ अपना जान दिए हैं, उनको कितनी आत्मा की शांति मिली होगी जब राम मंदिर में बना होगा। और क्या, यही है बड़े मुद्दे। तीन तलाक खत्म हो गया, तीन तलाक, जो तीन तलाक खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, रोड सड़कें भी देख लीजिए कितनी बढ़िया बन गई, हर चीज बन गई। जनता के लिए क्या हुआ? जनता, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। तीन तलाक खत्म हो गया, अच्छी बात। जनता की जो बुनियादी मुद्दे थे वो कहाँ गए? जनता सब खुश है, क्यों नहीं खुश भाई? अरे भाई, खुश करोगे? मतलब इतने खुश में एक आप अकेले दुखी क्यों? खुश कैसे करोगे भाई, पहले बताओ। वो बात तो किसानों से पूछी जाए। हाँ, जनता को खुश करने का कौन सा तरीका अपनाओगे? मतलब जो लॉकडाउन से पहले लगा था, मतलब कहा था, अरे एक मिनट भाई, शांति रखो, जरा सबर करो, हम अभी आए हैं, जरा थोड़ा सा बोलेंगे हम भी। जो 15-15 लाख रुपए बोले थे या 25-25 लाख रुपए बोले थे, जो भी खाते में, मतलब जो जनधन योजना अभी भाई जो बोल के गया था कि हम सबके खाते में डालेंगे, वो डाले पहले ये बताओ, पहले सबसे पहले ये बताओ, बताओ भाई। एक मिनट, जो सबसे पहले जो अभी हाईवे, जो जितने भी हाईवे बने हुए हैं, जितने भी हाईवे बने हुए, अभी भाई कह रहे थे कि 5 घंटे का रास्ता 2 घंटे में सफर तय कर दिया है, ठीक है ना। बुलेट ट्रेन भी आ रही थी, वो क्यों नहीं आई भाई अभी तक? बुलेट ट्रेन टाइम, यार टाइम, व्हाट इज दिस टाइम, टाइम कब तक? टाइम 10 साल पी गए, 10 साल, 10 साल, अरे 8 साल कब तक, कब तक? 70 साल। कांग्रेस की बात कर रहे हो ना, तुम्हें क्या किया कांग्रेस ने? मेरी बात सुनो यार, 70 साल खेला कांग्रेस को, 4 साल का सिलेंडर हुआ, 400 ही रुपए का सिलेंडर था, केवल 400 रुपए का, आज कहां तक पहुंच गया? अरे यार, कितने रेप कांड हुए इसमें, सबसे पहले, इसमें सबसे पहले महिलाओं की भी सुरक्षा चली गई, कहां है सुरक्षा? जहां कहां सुरक्षा भाई? वो अरे यार, ये तो गलती बात हुई, जो जितने रेप कांड हो रहे हैं उनका कहां गया? ऐसे नहीं हो पाएगा, तीन मुद्दे के बाद ये बुलेट ट्रेन को याद दिला रहे हैं सरकार की। तुम्हारे मन में भरा पड़ा है, अब दिक्कत तुम्हारे मन में भरा पड़ा है कि मुझे ये अच्छा लगा, मैं इसके जाऊं और जो भी करना है कर डालूं। सरकार जब तक मानसिकता लोगों की नहीं बदलेगी, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। मानसिकता लोग बदल लेंगे अपनी। मोदी जी ने कहा था कि हमें 5 साल दो और, मतलब 5 साल के लिए पहले बिठाया, एक मिनट, सप्ताह में आने के लिए उन्होंने पहले कहा था मुझे 5 साल दे के देखिएगा, 5 साल दी, 5 सालों के बाद फिर कह दिया हमें 5 साल फिर दो, मतलब कब तक जाइए, कब तक? 25 साल दो। हाँ 25 साल, अब क्या विकसित देश चाहते हैं तो 25 साल दे दीजिए बीजेपी। मतलब ये चाह रहे हैं कि रोड भी बेच लेंगे, सब कुछ बेच ही लेंगे, ठीक है ना, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, मतलब शिक्षा बेचने के चक्कर में हो गया भाई, क्यों शिक्षा? वो तो चौकी अभी नहीं बिकी है भाई, अभी नहीं बिकी पड़ी है शिक्षा, शिक्षा बेच दी, जिंदा है गरीब बच्चों के लिए, ठीक है ना। अभी तुम्हारे, अभी तुम भैया जवाब दे पाएंगे, बुलेट ट्रेन कहाँ चली गई? 2022 का ही तो वादा था। एक मिनट, बुलेट ट्रेन कोई हलवा नहीं है जो बनाया और खा लिया, ये सब सिस्टम से होता है, बनाना खाया। मेट्रो जापान की देन है ना, मेट्रो जापान की देन है ना, मेट्रो जापान भाई लेके आए ना, और आज नहीं।
तक आ गई ना धीरे धीरे चलते हुए, तो उसका टैक्स मिल रहा है ना, धीरे धीरे तुम एक धीरे धीरे डबल इंजन सरकार है, गति तो तेज होनी चाहिए, आपको नहीं लग रहा? भाई साहब का जब जन्म हुआ था, एक मिनट तो सुनो, जब आपका जन्म हुआ था तो धीरे धीरे बढ़े थे या एकदम से इतने बड़े हो गए थे? जब जन्म हुआ था तो धीरे धीरे बढ़े ना, एकदम से नहीं हुए ना। कह रहे की सरकार को और वक्त देना चाहिए, रुकिए, सरकार अच्छा कर रही है, धीरे धीरे करेगी, वो भी तो लगवाया था। मुद्दे पे आते, बेरोजगारी, महंगाई, मुद्दा गायब कहाँ हो जाता है? बहुत बहुत महंगाई है, हर जगह महंगाई है, हर जगह महंगाई बढ़ी पड़ी है, हर जगह महंगाई बढ़ी पड़ी है, महंगाई की वजह तो। अच्छा आप एक बात, एक मिनट, एक सवाल, एक मिनट, जो जो बीजेपी वाले हैं, ठीक है ना, वो जा रहे हैं, आमतौर पे अगर कोई भी अन्यथा पार्टी जा रही है वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे दंगा क्यों कर देते हैं कि हम तुम आगे क्यों आ गए हमारी जगह पे? अभी राजस्थान का ही एक वीडियो देखा था हमने थोड़े दिन पहले, तो उसमें मतलब झंडे वगैरह, बहुत महंगाई है तो बटन दबाया, जब महंगाई गायब हो गई, जीत के फिर सत्ता में बीजेपी आ गई। नहीं 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 नहीं, महंगाई कहीं गायब नहीं हुई है। कितना कितना महंगाई कहाँ है? 8 साल पहले सैलरी कितनी थी आपकी? 8 साल पहले सैलरी कितनी थी? सैलरी तो बढ़ी है ना, सैलरी बढ़ रही है। किसान का क्या गया? किसान कितने में खरीद रहा है? किसान कितने में खरीद रहा है? हाल वाल में छोड़ दी, ये कह रहा हूँ ये किसान की कोई अहमियत नहीं है क्या? मौजूदा सरकार में किसानों की नहीं सुनवाई, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? हमारी तो हो रही भैया, हमारे वहाँ गन्ना 350 रुपए क्विंटल बिक रहा है, 70 क्विंटल परिवार से आप किसान परिवार से? 8, हाँ मैं किसान परिवार से हूँ। 8 दिन में आज पर्ची लगाओ गन्ने की। किसान आंदोलन क्यों करने बैठ जाते हैं? क्यों कहते हैं कि किसान हम परेशान है, सरकार कुछ नहीं कर रही? जिन व्यक्तियों के मन में भूसा भरा हुआ है, दिमाग में भूसा है, वो लोग बैठ जाते हैं, हट जाते हैं बाद में, बैठ जाते हैं, हट जाते हैं, बात खत्म है। क्या लग रहा है कि कौन आने वाला है? भाजपा सरकार, मोदी जी जिंदाबाद, बात खत्म, और कोई है ही नहीं, मुद्दे कोई नहीं। चलो चलो ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं, 20 रुपए में आलू बिक रहा, पेल के आलू खाओ, चाहे समोसा खाओ, चाहे आलू खाओ, पेल खाओ, दवाई के यहाँ तो आलू पे जियो, तो आलू पे ही जियो, आलू पे ही जियो, हम तो भाई पूरी तुम नहीं कमाओगे अपनी फैमिली को, तुम चला रहे हो, सरकार नहीं चलेगी। 15 इन्होंने 15 करोड़ की बात कही, एक मिनट, महीने की कितनी सैलरी उठा रहे हो? अरे एक मिनट, महीने कहाँ, सैलरी स्लिप दिखाओ जाके, पहले सैलरी स्लिप दिखाओ लाके, अरे सैलरी स्लिप दिखाओ लाके, अरे घूमता हूँ यार, सैलरी स्लिप डॉक्यूमेंट में रखी है, बात तुम रखे हो 25,000 अगर कमा रहे होते ना तो ये बात आई नहीं आती तुम्हारी। अभी एक भैया कह के गए कि जो बेरोजगारी है वो जनसंख्या की वजह से, बेरोजगारी आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, जनसंख्या की वजह से अगर बेरोजगारी है ना तो 2 बच्चों पे कर दो ना, तो 2 बच्चों की आ जाए कोई बात नहीं, तो कानून, तो कानून कोई बात नहीं, कानून आ जाएगा, अच्छी बात है, मगर इसके लिए भी सोचना चाहिए ना। मोदी कहते हैं मेरे पे जुल्म बढ़ने वाला है, मेरे पे आलोचना बढ़ने वाली है, वो जब प्रधानमंत्री बने थे शुरुआत में तब से उन पे आलोचनाएं हो रही है, अच्छे लोगों की आलोचना हमेशा होती है, जब काम अच्छे करे तो आलोचना क्यों? जो व्यक्ति काम अच्छा करेगा ना आलोचना उसी की होगी, जो काम करेगा आलोचना उसी की होगी, जो काम नहीं करेगा मैं पल्ला झाड़ लिया, मेरा काम ही, तो आलोचना क्या होगी मेरी, लोग जानते नहीं, बात खत्म है, आलोचना गायब है। और जो आपने बोली जीत हासिल करें फिर भी कह रहे हैं कि मुझ पे जुल्म बढ़ने वाला है, तो एक मिनट, हाँ बोलो बोलो, मेरी बात सुन लो, आपने बोली 15-15 लाख अकाउंट में आने चाहिए, हमारे बाप बाबा ने तो कमा के धरे नहीं, भारत सरकार को दे रखा है कि 15 लाख डाल दो हमारी झोली में, सुनो मेरी बात, अच्छे दिन का क्या वादा था, लगता है अच्छे दिन चल रहे हैं, इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए हम लोगों को, जनता खुद है, आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, भाजपा तो आ चुकी, भाजपा तो आ चुकी, लौट के आएंगे, अरे इधर बुलाओ यार, बुलाओ यार, इन्हें बनिया भाजपा तो आ चुकी है, मैं भी एक साल हो गए, बढ़िया फिर आएगी, एक बार फिर आएगी, फिर आएगी, कांग्रेस का क्या खत्म हो गया है, मुद्दा रहेगा क्यों आई, मुद्दा कोई है ही नहीं, हम खुद, मुद्दा क्या, हम खुद लाएंगे, हमें आप नहीं दे पा रहे, और लोग हैं, बात करेंगे भैया, युवा होंगे पीछे पहुंच जाते हैं, क्या नाम है, बात करेंगे आप लोग, सब पीछे भाग रहे हैं भैया, आप तो बात करेंगे, पढ़े लिखे लग रहे हैं, रोजगार भी आपके पास लगना है, क्या कह रहे हैं भैया? हाँ मैडम, जी मैडम, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं युवा हूँ तो मैं अपनी बात करूँगा, राजनीति नहीं करना चाहता हूँ मैं, जनता ने जिस तरह से केंद्र में लाया, राज्य में भी है, उस तरह से जनता का काम नहीं हुआ, अगर जनता ही नहीं, केंद्र और राज्य के साथ युवाओं ने जिताया था, जनता ने उनके बारे में नहीं सोचा गया, जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो पेपर कई बार लीक होता है, और
जिस तरह से एजुकेशन है, एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा, एजुकेशन पे महंगाई हो है, जीडीपी हमारी, तो ये सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आएंगे। मैडम कहने से कुछ नहीं होता, वो करना चाहिए ना, दिखना चाहिए। रोजगार भी दे देंगे, फिर से वादा किया रोजगार देने का। मैडम हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम राजनीति से नहीं मतलब है, हमें मोदी से था आपको बीजेपी पे, तभी तो वोट किया, वोट किया जनता ने, किया विश्वास किया, अब आई केंद्र में आई, राज्य में भी आई, बट मतलब उस तरह से उम्मीद दिखा नहीं, इसलिए अगर इनको राज्य में केंद्र में ला सकती है ना तो गिरा भी सकती है जनता को। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि जनता अगर राज्य में केंद्र में भेज सकती है, बीजेपी को बैठा सकती है तो गिरा भी सकती है। अगर उनके उम्मीद क्या लग रहा है कि आप 2024 आ रहा है नजदीक, युवा क्या मन बनाए बैठे? युवा के मन में जो होगा सामने दिखेगा, और अभी दिख रहा है। गुजरात में तुमने देखा जिता दिया बीजेपी को, जी गुजरात में जीत गए, काम किए हैं, जीत गए। रोजगारी थी वहाँ पे भी तो महंगाई थी मैडम, काम किए काम नहीं हुआ, जहाँ पे काम नहीं होगा वहाँ पे दिख जाएगा सर जी। आपको क्या दिख रहा है कि कोई काम दिखा 8 साल के अंदर केंद्र सरकार का? धारा 370 गया प्लस राम मंदिर बन गया, उसी आस्था मैं मानता हूँ, लेकिन बड़े मुद्दे सिर्फ जी, और जनता के मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे कहाँ गए? जनता से जब नहीं देखेगा तो जनता उन्हें फिर बदलेगी, इनको बदला अच्छे अच्छे दिन आने के लिए। बंपर सरकार यार जी, मैं आपसे बात हो गई, आपसे बात हो गई, आपने क्या जिता देंगे, ठीक है इनकी सुन लेते हैं। वादा किया था सरकार ने कि रोजगार दे देंगे युवाओं को, वादा किया था, अच्छे काम भी किए हैं, बट महंगाई और बेरोजगारी, और महंगाई बेरोजगारी पे फेल है, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। आप ही के सामने कितनी सारी दिक्कतें गिनवा दी कि शिक्षा पे काम नहीं हुआ, बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई। आपने महंगाई के बारे में बात की, 8 साल पहले सैलरी आपकी कितनी थी, बेसिक सैलरी? सैलरी बढ़ रही, महंगाई कैसे बढ़ गया? जब सैलरी लीक हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, आस्था पे विश्वास रखता हूं, तैयारी करते जो बंदे तैयारी करते हैं, आस्था के नाम पे बीजेपी को वोट जाता है, धर्म के नाम पे लोग अपना सपोर्ट करते हैं, धर्म कर रही है ना बीजेपी सरकार करती है, मतलब तो धर्म की राजनीति करते हैं, सपोर्ट करेंगे, मुझे राजनीति नहीं करनी है, बस इतना करना, मुझे पढ़ा लिखा हूँ, राजनीति मुझे एजुकेशन पे काम होना चाहिए, एजुकेशन शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस तरह से हम भटकते हैं उस तरह से काम नहीं हो रहा। आप थोड़ा फ्रेम से चाहिए, आप क्या कहेंगे भैया? ड्यूटी से आ रहे हैं, क्या करते हैं? बस जॉब कर रहा हूँ। तो आइए ना, रोजगार के लिए तो दुनिया चिल्ला रही है, युवा परेशान है, क्या करते हैं? क्या करते, काम करते हैं, बस सिलाई मशीन चलाता हूँ। बस योगी जी फिर से आएंगे आ तो गए, और कितना लेकर फिर से आएंगे? केंद्र में आने वाले, केंद्र में लेकर बैठेंगे, मतलब मोदी जी का पत्ता कटने वाला? नहीं, कटने वाला नहीं, मोदी जी फिर से आएंगे, तो के साथ आने चाहिए वापस बीजेपी, बस जो आ रहे थे वैसे आने चाहिए फिर से। क्या काम क्या नहीं किया, सारा कुछ तो काम किया, ऐसा क्या नहीं किया मोदी जी ने, क्या नहीं किया, सारा कुछ किया है ना, जो बोलते हैं जनता। आप खुश हैं भैया सरकार से? बिल्कुल खुश है मैडम। क्या क्या काम बढ़िया लग रहे हैं? सारे काम बड़ा अच्छे किए हैं योगी जी ने, सारे काम किए हैं। अब दिल्ली में बैठना उनको, दिल्ली में बैठना, दिल्ली में बैठना उनको, ना 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 आने दूंगा ये मुख्यमंत्री यहाँ के लड़के है, दिल्ली में प्रधानमंत्री आगे, और भी तो देश में है, कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी, दावा पार्टी आम आदमी नहीं चलेगी, ओनली बीजेपी चलेगी, अरे जो कास्ट ओनली बीजेपी।